चौथे टेस्ट से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया द्वारा रोहित शर्मा से रवि शास्त्री के ओवर कॉन्फिडेंस वाले बयान के बारे में सवाल किया गया, जिस पर जवाब देते हुए टीम इंडिया के कप्तान ने कहा कि अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो जब आप दो मैच जीतते हैं और बाहर के लोगों को लगता है कि हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है तो ये बिल्कुल ही बकवास है। हम सभी चार मैचों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप दो मैच जीतकर रुकना नहीं चाहते। ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं और ख़ासकर तब जब वे ड्रेसिंग रूम का हिस्सा नहीं होते हैं, तो ऐसे में उन्हें पता नहीं होता कि ड्रेसिंग रूम में किस तरह की बात होती है। अगर यह किसी बाहरी व्यक्ति को ऐसा कुछ लगता है तो वह वास्तव में हमारे लिए मायने नहीं रखता है। रोहित शर्मा ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि रवि शास्त्री खुद इस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रह चुके हैं और वह ये जानते हैं कि हम खेलते हैं तो हमारी मानसिकता किस तरह की होती है। ये अति आत्मविश्वास नहीं है। बता दें, भारतीय टीम के लिए चौथा टेस्ट जीतना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर टीम इंडिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है तो इस टेस्ट मैच को हर हाल में जीतना होगा।